दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, डेथ, मृत्यु, मरण क्या है ये? What is the meaning of death? It is said that the permanent ending of vital processes in a cell or tissue is death. Is this correct? तो फिर मृत्यु किसकी होती है? शरीर की या आत्मा की? क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद हमारी आत्मा के साथ क्या जाता होगा? चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई से हमारे अगले सेगमेंट में। मनुष्य के मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है? क्या मरने के बाद आत्मा जो विधि विधान दस गात्र व लेखी का कार्यक्रम किया जाता है तब तक भटकती रहती है? नहीं, एक बात तो जरूर है कि एक व्यवहार दृष्टि है और दूसरी ज्ञानी की दृष्टि जो वास्तविकता है। लौकिक में जो हमारे ऋषि मुनि आचार्य महाराजों ने जो लिखा प्रजा के हित के लिए, उन्होंने जो प्रयोग बताया है, विधि विधान बताया है, वो सही है और मनुष्य के हित के लिए बरोबर है। पर एग्जैक्टली क्या होता है ज्ञानी की दृष्टि में कि जब लास्ट श्वास चलते हैं उस टाइम पे आत्मा वो तो इलोंगेट लंबा होता है, कार्मण शरीर उसको खींचता है और दूसरे गर्भ में जहां उसको जाना है, दूसरा जन्म लेना है, वहां तक वो खींच के वो जगह मिल गई, बाद में ये शरीर छोड़ देता है। तो फिजिकल बॉडी यहां रहता है, कार्मण शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड प्योर सोल, और दूसरे गर्भ में पहुंच ही जाते हैं वेरी सेम मोमेंट। यानी एक स्टेप, एक पांव हम सोफा पे है, दूसरा पांव मैं टेबल पे रखूंगा, वहां पे मिल गया, बाद में ये पांव उठा लूंगा, तो एट ए टाइम दूसरा जन्म के लिए पहुंच ही गया है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु और उसके बाद सोल की जर्नी की। तो दोस्तों, कहते हैं मरने के बाद 13वीं तक आत्मा भटकती है, क्या यह सच है? चलिए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर हमारे इस सेगमेंट में पूज्य दीपक भाई से। तो जैसे बोलते हैं कि सर मरने के बाद में किसी की आत्मा किसी घर आती जाती है दस घात या 13वीं तक के लिए, तो उस दौरान तो वो भटकता ही है। बोलते हैं जैसे दस घात या 13वीं होता है तो तब तक तो मतलब इतना दिन का समय लग जाता है, तो फिर दूसरे शरीर में उस दौरान कहाँ रहता है? एक्चुअली भटकता है, कभी आपको अनुभव में आया है? ये सुनी हुई बात है, इस छपरे पे जैसे अंगूठा जैसा आत्मा रहता है। अरे ये साइंटिस्ट तो कितना माइक्रो 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 एटम्स ढूंढ निकाले हैं, तो आत्मा को नहीं ढूंढ निकालते थे? और कहाँ मिला उनको? यानी एक्चुअली क्या है, ये लौकिक सत्य है, सबकी मान्यता है। सचमुच एक्चुअली क्या होता है कि 13 दिन क्यों रखा, ये तो पीछे वाले ने बता दिया, ऊपर भटकती है, ऊपर हमारे ऊपर छपरे पर बैठ के हमारा घर में देखता है आत्मा, ऐसे कुछ नहीं होता है। एक्चुअली ये 13 दिन नहीं रखते थे तो हम लोग कोई 2-2 महीने तक शोक चालू रखेगा और तो 2 दिन में मजा करने घूम जाएगा। तो ये जब कोई किसी घर में मृत्यु होती है तो वैराग्य का वातावरण रहता है, उस दिन 8 दिन गरुड़ पुराण बिठाएंगे और कुछ पूजा मंत्र करेंगे, दान करेंगे, तो दान करने से वो पुण्य बांधेगा और जो गरुड़ पुराण बिठाते हैं उसमें जब कथा सुनता है तो उसको समझ में आता है कि संसार में कितने प्रकार के गुने होते हैं, गुना का फल से कितने प्रकार की अधोगति होती है, तो पाप से कैसे बचे वापस आए, वो समझने का टाइम वही रहता है। नहीं तो मोह वाला आदमी को कुछ भी धर्म की बात सुनाने जाओगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगी उसको, तो ये मोह उतर गया रहता है वह जब मृत्यु होती है तब। आपको समझ में आता है ना? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु और उसके बाद होते हुए जन्म की बातें। तो दोस्तों, क्या मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत ही शरीर धारण कर लेती है या फिर भटकती रहती है? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। तो सर जैसे शरीर से जैसी आत्मा निकलता है तो यानी उसे पूरे निकलने से पहले वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है इमीडिएटली? एक पोल यहाँ रहता है, दूसरा छेड़ा वहां पहुंच जाता है, वो छेड़ा मिलने के बाद में ही ये देह छोड़ेगा। बाय चांस वहां टाइम मिस हो गया तो ये देह छूट गया तो फिर भटकती आत्मा बोला जाता है। वो कितने लाखों में एकाध केस रहता है और वो 2-5 साल 10 साल
दूसरा घर मिल गया, बाद में गर्भ में आ जाता है वापस। ताकि भटकती आत्मा सबको दुख नहीं देती, जिसके साथ राग द्वेष का हिसाब है, क्योंकि उसके उसमें उसको प्रेतात्मा बोला जाता है। वो प्रेतात्मा को स्थूल शरीर नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रहता है, आत्मा तो भीतर में रहती है। वो सूक्ष्म शरीर हाजिर होने से, सूक्ष्म शरीर रहने से उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, सब विषय विकार बहुत प्रकार के, सब प्रकार के दोष हो जाते हैं उनको। तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो कैसे खाएगा, कहाँ से खाएगा, स्थूल शरीर तो है नहीं। तो कोई उसका फ्रेंड होगा या दुश्मन होगा, उसके शरीर में जाएगा, 50 रोटी खाएगा, सब्जी खाएगा, 50 लाडू खा जाएगा और चले जाएगा, और बाद में 10-15 दिन का पूरा स्टॉक एब्सॉर्ब करके चले जाता है, 10-15 दिन के बाद वापस आएगा, ऐसे करते हैं वो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु और उसके बाद होते हुए जन्म की बातें। तो दोस्तों, घर में किसी की मृत्यु के बाद दिया गया दान, कर्म कांड, पूजा, प्रार्थना क्या वास्तव में उसको पहुंचता है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी दीपक भाई से। तो सर, जैसे उसके नाम से जो भी कर्म कांड वगैरह किया जाता है या उसके नाम से जो दान पुण्य करने के लिए बोला जाता है, तो वो करने से उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक्चुअली जो करेगा उसको ही मिलता है, और ये रिवाज रखा है कि बाप के लिए बेटा करेगा तो बेटे के लिए उसका बेटा करेगा, और जो करेगा उसको दान का पुण्य बंधेगा ही बंधेगा। और समाज में ऐसे बताया गया होता कि आप करो आपको फायदा मिलेगा, जाने वाले को कुछ फायदा नहीं, तो करेगा ही नहीं कि मेरे क्यों, मुझे तो बहुत, मैं पिछली जिंदगी करूंगा तब तक मर जाएगा बीच में। तो बाप के नाम के करेगा तो कुछ ना कुछ पुण्य बांधेगा और सारे गांव को खिलाएगा तो दान हो जाएगा। तो ये रिवाज रखा है, बहुत अच्छा है, पर वास्तविकता में जैन लोग में नहीं मानते ऐसा। तो वो लोग कुछ करते भी नहीं, 3 दिन प्रार्थना करके बंद कर देते हैं, बाद में कुछ नहीं करते। तो ये रिवाज तीर्थंकर भगवान ने सही बताया है कि जीव एक देह छोड़ के दूसरे देह में जब जाता है तो ये पूरा हिसाब पूरा होने के बाद में ही दूसरे देह में जाता है। उसका कोई इस व्यवहार, जिसका फादर मदर हस्बैंड वाइफ जो भी है रिलेशन, वो पूरे सब कर्म, पूरे स्थूल कर्म पूरे होने के बाद में ही ये शरीर छोड़ के आत्मा निकल जाएगा। यानी ये दान धर्म जो करते हैं वो खुद के लिए करना है, और माँ बाप के लिए या दादा के लिए जो भी करते हैं वो रिवाज बरोबर है। समझ में आता है? हम लोग ये ज्ञान के बाद क्या करते हैं, घर में किसी की मृत्यु हो गई तो जब जिंदा रहते हैं लास्ट मोमेंट तक उसको प्रार्थना कराते हैं, हे सिमंदर स्वामी मुझे आपका शरण प्राप्त हो, इस संसार में मुझे शुद्धात्मा अनुभव सिवाय, शुद्धात्मा अनुभव करने के सिवाय संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए, मोक्ष सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे सिमंदर स्वामी आपकी कृपा करो मुझे मोक्ष मिले, ऐसी प्रार्थना ही उसको कराते रहते हैं लास्ट दिन होएंगे तब। और दूसरा, सारे जीवन के एक एक व्यक्तियों के साथ उनके जो राग द्वेष अज्ञानता से जो कर्म बांधे थे उसके लिए प्रायश्चित करा देते हैं उनको, कि आप दिल से माफी मांगो, हमारे मन से, वाणी से, वर्तन से, किसी को एक एक व्यक्ति को जो जो राग द्वेष मोह से दुख दिया है उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे माफी दे दो, प्रतिक्रमण कराते हैं। और समझ लो मृत्यु हो गई व्यक्ति की, तो हम समझते हैं कि कोई भी उसकी ऊर्ध्व गति होगी। अभी उनके लिए जो हमारे राग द्वेष मोह थे तो उसके प्रतिक्रमण करना, और उनकी शुद्धात्मा के लिए प्रार्थना करनी कि हे सिमंदर स्वामी उनको आपका शरण मिले और मोक्ष गति प्राप्त करे, ऐसी कृपा करो। बस हमारे तरफ से विधि विधान या दान पुण्य नहीं करते, मगर डायरेक्ट प्रार्थना ही करते जो आत्मा को सीधी पहुंच जाती है। समझ में आया? जी जैसे। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु और आत्मा के गति के बारे में। तो दोस्तों, क्या हमें पितृ दोष लगता है, क्या पितृ की वजह से हमें कोई बाधा होती है, या फिर यहाँ पर भी हमारे कर्म का हिसाब ही है? चलिए जानते हैं इन सब प्रश्नों के उत्तर अगले सेगमेंट में। पितृ बाधाओं से मुक्ति का मार्ग मनुष्य के बीते जीते जी मधुर संबंध मृत्यु के बाद का आभास परिवार वालों को क्यों होता है? वो एक्चुअली एक बात समझ लो कि जब अंतिम श्वास चालू है तभी आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो पहले कॉजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी एंड प्योर सोल दूसरे गर्भ में जाते हैं, ये फिजिकल बॉडी छोड़ देते हैं। यानी पितृ ऊपर रुकेगा ऐसा नहीं होता है, उन
वो पितरु जो बोलते हैं पितरु की मुक्ति नहीं हो गई और पितरु नड़ते हैं, वो भ्रांति की बात है। अपने कर्म जो बुरे बांधे हैं, कलयुग में बुरे कर्म 85% रहते हैं, अच्छे 10-15% रहते हैं, तो बुरे कर्म का फल दुख आता है। पितरु का दोष नहीं है, वो दुख देने वाले नहीं है। ये लोग इतनी वीकनेस है तो आधार ढूंढते हैं, मेरा इतना दुख कैसे आया, कैसे मिट जाए। इसके लिए कोई किसी के पास जाता है तो पितृदोष है, सर्प दोष है, ग्रह दशा बिगड़ गई, कुछ न कुछ अज्ञानता से समाधान देते हैं, पर वो सच्चा नहीं है। समझ में आता है ना? वो व्यू पॉइंट सत्य है, पर सच्चा समाधान तो यह है कि आपने गलत कर्म बांधे है, उसका फल आया है, अभी समता भाव से पूरा करो और नया नहीं बंधे उसकी जागृति में आ जाओ। अरे ये जागृति आपको आत्मज्ञान के बाद आसानी से रहेगी। समझ में आता है ना? हाँ, तो निर्वाण जो सरलता सहजता से जो प्रश्नों के समस्याओं का समाधान करते हैं वो बहुत ही मन को शांति मिलती है उससे। और ये जो अपने को पितृदोष का मतलब है कि जो भी बाधाएं अपने को आती है जो शरीर की आत्मा से नहीं है दूसरी आत्माओं से, वो क्या कारण होता है? सचमुच दूसरी आत्मा क्यों आपको बाधा करे? वो अपने कर्म अनुसार दूसरी गति में चले जाते हैं। ये आपको जो बाधा आती है वो आपके अज्ञानता से जो राग द्वेष हुए वो कर्म जो बांधे है वो कर्म का फल आपको आता है। रामचंद्र जी को तो मालूम है ना आपको, दूसरे दिन राज तिलक करने का था तो रात को कई कई और मंथरा मिलके कुछ कर दिया तो राज तिलक के बदले वनवास हो गया। सब ज्योतिष ज्योतिष निकाला था, मुहूर्त निकाला था, सब फेल हो गया कि नहीं? तो उसमें कौन सा पितृदोष आ गया? तो कर्म बांधा था तो फल आया। अने सच्ची बात यह है कि सच्चे ये जो ये क्या है आश्वासन ढूंढते हैं कि क्यों ऐसे हो गया, और कोई सच्चा मिलेगा ही नहीं आंसर आपको। हुआ क्या है तो कि आपने अज्ञानता से जो कर्म बांधा है उसका फल ही भुगतना पड़ता है, और वो फल में समाधान कैसे पाए वो समझ आपको ज्ञान से मिल जाती है, तो फिर आपको बोध दर्शन नहीं रहेगा कोई प्रकार का। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं मृत्यु और मृत्यु के बाद की विधि के बारे में। तो दोस्तों, दादा के महात्मा मानते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो जब घर में किसी की मृत्यु हो तब क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं पूज्य दीपक भाई की जुबानी। जीने का तो ये दादा के सत्संग से आ गया है कि किस तरह से जीना है, लेकिन मृत्यु के समय में मतलब जो आसपास में लोग हैं पाइले हैं उनको क्या बताना है कि मतलब मृत्यु के बाद में मतलब क्या करना है, या कुछ भी? नहीं नहीं हमारे जाने के बाद? नहीं नहीं मेरी, हाँ तो खुद वही खुद का, तो उनको व्यवहार तो क्या है कि जो क्रिया लौकिक क्रिया करनी है तो करने दो, नहीं तो बताने का देखो ये तो दादा जय महात्मा क्या करते हैं, एक घंटा दादा भगवान ना असीम जय जयकार बोलने का, हो गया सब विधि पूरी। हाँ। कोई ज्यादा कुछ व्यवहार करते ही नहीं है, कोई पूजा पाठ करने का सप्ताह बिठाने की वो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सिमंदर स्वामी के शरण में पहुंचे, अभी प्रार्थना करने की घर यहाँ सब असीम जय जयकार एक घंटा प्रार्थना करते पूरा हो गया बाद में। जी बस महावीर क्षेत्र में जन्म हो और पांच अग्नियों का पालन हो, बस वो मुख्य चीज है। बरोबर है, आशीर्वाद दीजिए। हाँ आशीर्वाद है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दादाजी कहते हैं कि जन्म मृत्यु इगोइज्म का होता है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कॉजल बॉडी और इलेक्ट्रिकल बॉडी जाती है। ऐसे ही स्पिरिचुअल सॉल्यूशन पाने के लिए सुनना ना भूलें नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। Yeah.